आइए जरूरी और पीछे चले गए देखिए, मैं संथाल पगना से बिलोंग करता हूं और बाबा नगरी में मेरी पैदाइश हुई है। शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं और आज मैंने शून्यकाल के माध्यम से सदन में ये मांग रखी कि हमारे श्रद्धालु जो देवघर आते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अरग्या सिस्टम चल रहा है, उनको जो शिवलिंग है उनको टच नहीं करने दिया जा रहा है। दूर से आप देखिए और दूध गिराइए चले जाइए, जल गिराइए चले जाइए, वो व्यवस्था को मैं चाह रहा था कि वो ख़त्म हो और जो पहले की जो व्यवस्था है वो लागू हो, ताकि जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और वो जब तक शिव है उसको टच नहीं करेंगे वो फील नहीं आता है। तो मैंने ये मांग सदन में रखा है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी मांग है वो पूरी होगी। उसमें क्या हुआ, 155 सुरक्षा करने वाला मामला? देखिए, 155 सुरक्षा कर्मी जो है, इनकी मांग बहुत पुरानी मांग है और भाजपा के शासनकाल में इन्हें हटा दिया गया था और अब हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने प्रॉमिस भी किया था, हमारी सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इनको नहीं हटाया जाएगा, बसाया जाएगा। अब 155 के सुरक्षाकर्मी का मतलब है कि 10,000 लोग, 10,000 परिवार वो बेघर हो जाएंगे। तो अभी जो व्यवस्था है वो उनको हम लोग 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और इनकी जो सैलरी है मात्र 8,000 में लोग काम करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजस्व का भी जो क्षति हो रहा है, तो इनकी बहाली के लिए मैं सदन में मांग रखूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी सरकार नौकरी देने पे विश्वास करती है, नौकरी लेने पे नहीं। तो विभाग के जो मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, इन सब इनकी मांगों पर पुनर्विचार करें।